पेप्सी। गर्मियों के मौसम में आपकी और मेरी फेवरेट पेप्सी ही होती है और हमारे पास है पेप्सी का कैन। इसके साथ एक्सपेरिमेंट की बात आती है तो अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट होते हैं। आज आपने देखा कि हमने एल्यूमिनियम के जो तार हैं वो ले लिए हैं और इनको इतना पिघला लिया, इतना तरल रूप दे दिया कि वो एक लावा के प्रकार में बन चुके हैं। उसके बाद उस लावा में हम ये पेप्सी कैन रख देंगे, फिर क्या होता है यही देखने लायक बात होगी, क्योंकि लावा इतना गर्म है और ऊपर से हमारी ये पेप्सी कैन है वो ठंडी है। फिर देखते हैं कि गर्म और ठंडा एक साथ मिलता है तो क्या रिएक्शन होता है। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है। इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, आप कृपया इसे घर पर दोहराने का प्रयास ना करें। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि देसी तरीके से इस एल्यूमिनियम जो तार है वो उनको पिघला चुके हैं और तरल रूप का ये लावा हमारा बन चुका है, बिल्कुल खोल चुका है और ये बिल्कुल तरल रूप में है। उसके बाद हमने जो ये पेप्सी ली है वो उसको इस लावा में डाल देंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है। मगर उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को दीजिए लाइक, सबके साथ कर दीजिए शेयर, फिर इस पेप्सी कैन को इस लावा के अंदर रखते हैं, देखते हैं कि कितना मजा आएगा। पेप्सी तैयार है, लावा तैयार है, इसको रख देते हैं लावा में, देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस पेप्सी कैन को लावा में रखा तो एकदम से ये फूटने की तरह से ये यहाँ से निकल चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है और इसके अंदर अंदर जो गैस आती है उसकी वजह से ये बिल्कुल टूट गई। लावा अभी भी खोल रहा है, इसके अंदर पेप्सी है वो यहाँ पे देखिए एकदम उबल रही है, जैसे कि खोलता हुआ पानी उबलता है। तो मिलते हैं अब नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।